सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस है। दोस्तों आईपीएल 2020 और T20 वर्ल्ड कप 2020 पर बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है, जहां पर T20 वर्ल्ड कप 2020 पर सस्पेंस बरकरार था COVID-19 की वजह से। किस साल T20 विश्व कप 2020 हो पाएगा या फिर नहीं, या फिर इसे पोस्टपोन कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर ISC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सबसे बड़ी मीटिंग थी 28 मई को, जिस पर ISC अपना आखिरी फैसला लेगी किस साल उसे शेड्यूल के मुताबिक कराया जाए, यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर 2020 तक ऑस्ट्रेलिया में, या फिर T20 वर्ल्ड कप 2020 को COVID-19 की वजह से पोस्टपोन कर दिया जाए। और अब दोस्तों अंदरूनी एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जिसको सभी न्यूज चैनल, सभी मीडिया हर जगह पर इसे दिखाई और छापी जा रही है, हर जगह हर वेबसाइट पर इसे छाप दी गई है कि T20 विश्व कप 2020 को रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि साल 2021 में पहले से ही शेड्यूल है भारत में T20 वर्ल्ड कप 2021 कराने के लिए। ऐसे में एक साल में दो टूर्नामेंट नहीं हो सकते हैं, और इसी वजह से ISC ने आखिरी फैसला लिया है कि T20 वर्ल्ड कप 2020 को साल 2022 के लिए टाल दिया गया है। और रिपोर्ट्स में बताया ये भी जा रहा है कि BCCI को 2 महीने का विंडो मिल गया है IPL 2020 कराने के लिए, जो कि T20 विश्व कप 2020 की जगह पर, यानी कि अक्टूबर और नवंबर का महीना। तो ये दोस्तों आपको बता दें कि एक और बहुत ही बड़ी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है, और क्रिकेट सुपर फैंस आपके सामने सबसे पहले ये रिपोर्ट्स दिखा गया इस वीडियो में, जो कि पूरी विस्तार से बात करेंगे क्या T20 वर्ल्ड कप 2020 को क्या सच में ही टाल दिया गया है साल 2022 तक, क्या IPL 2020 का भविष्य क्या है, क्या T20 विश्व कप 2020 की जगह पर IPL 2020 कराया जाएगा। तो सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, जो कि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ISC ने क्या फैसला लिया है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैन से, क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज़ अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर हम बात करें तो 28 मई को ISC की सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए, जहां पर ISC अपना आखिरी फैसला लेगी T20 वर्ल्ड कप 2020 पर कि इसे पोस्टपोन किया जाए COVID-19 की वजह से, या फिर इसके शेड्यूल के मुताबिक, इसके कार्यक्रम के मुताबिक कराया जाए। लेकिन रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के कारण T20 वर्ल्ड कप 2020 को स्थगित किया जा रहा है। यह समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI को IPL के आयोजन के लिए मिल रहा है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में BCCI को मिल रहा है IPL 2020 कराने के लिए। और ISC ने फैसला लिया है कि T20 वर्ल्ड कप 2020 को साल 2022 तक पोस्टपोन कर दिया जाए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो गाइस ये तो रिपोर्ट जो कि गुमनाम रहने की शर्त पर ISC बोर्ड मेंबर ने न्यूज एजेंसी से PTI को बताया था, जहां पर सभी न्यूज चैनल, सभी मीडिया और हर एक वेबसाइट पर ये न्यूज छापी जा चुकी है, ये खबर वायरल हो रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब तक की सबसे लेटेस्ट, सबसे नई और सबसे सच्ची खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ISC ने तोड़ दी चुप्पी T20 वर्ल्ड कप 2020 को टालने की खबर को लेकर, जो कि ISC के प्रवक्ता ने इस बात को साफ कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में इस साल होने वाले T20 विश्व कप 2020 को स्थगित यानी कि टालने पर कोई भी अभी तक फैसला नहीं लिया है ISC ने, जो कि अपना आखिरी फैसला 28 मई को ही लेने वाली है ISC। अब तक की कोई भी बातचीत नहीं हुई है, कोई भी फैसला नहीं लिया है ISC ने। जो भी खबर वायरल हो रही है, जो भी खबर चल रही है इस टाइम पर सभी मीडिया न्यूज चैनल में, वो सारी ही खबर अफवाह है, वो सारी ही खबर झूठ है, जो कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की वजह से T20 वर्ल्ड कप 2020 के आयोजन पर लगातार सवाल उठ रहे थे। गैरतलब है कि बुधवार को ही खबर आई थी कि ISC इसे स्थगित करने का फैसला कर रहा है, लेकिन यह आधिकारिक बयान में इस बात को साफ कर दिया गया है कि अब तक टूर्नामेंट पर कोई भी फैसला नहीं लिया है ISC ने। तो वहीं ISC ने बयान में यह भी साफ कर दिया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि ISC ने एक बयान में इस बात को साफ किया कि अभी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, टूर्नामेंट को कराया जाएगा या नहीं इस पर विचार किया जाना बाकी है। ऑस्ट्रेलिया में इस साल होने वाले टूर्नामेंट को लेकर तैयारियां कार्यक्रम के मुताबिक ही चल रही हैं, इस साल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच T20 विश्व कप का आयोजन किया जाना है। तो गाइस ये तो रही सबसे बड़ी रिपोर्ट से। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि आखिर ISC क्या फैसला लेगी T20 विश्व कप 2020 को लेकर कल 28 मई को जो होने वाली है मीटिंग, तो गाइस आपको बता दें कि अगर T20 वर्ल्ड कप 2020 को साल 2022 तक टाला जाता है, तो फिर IPL 2020 से T20 विश्व कप 2020 की जगह पर कराया जाएगा, ये 100% कंफर्म है। लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप 2020 को टाला नहीं जाता है, उसे पोस्टपोन नहीं किया जाता है, उसके कार्यक्रम उसके शेड्यूल के मुताबिक कराया जाता, तो फिर IPL 2020 से T20 विश्व कप 2020 की जगह पर नहीं हो पाएगा। और आपको ये भी बता दें कि अभी तक ISC ने कोई भी आखिरी फैसला नहीं लिया है, जैसे कि मैंने आपको दूसरी
रिपोर्ट्स में बताया है। तो जो भी कल फैसला आएगा आईएसटी का, आपको हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट शो पर फैंस में उसकी वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने राय अपने विचार जरूर दें।